स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। आज जहां उत्तराखंड के कुमाऊनी अंचल में भाद्रपद माह की संक्रांति से पहाड़ में घी तैयार की धूम मची हुई है, वहीं त्योहार के दिन जम्मू कश्मीर से पिथौरागढ़ जिले के दिनेश बोहरा की शहादत की खबर से उनके परिवार में कोहरा मचा हुआ है। वहीं समूचे गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को ITBP की बस दुर्घटनाग्रस्त होने से दिनेश शहीद हो गए। मूल रूप से चंडाक क्षेत्र के भुरमनी गाँव निवासी दिनेश ITBP की 4th बटालियन में 14 साल से तैनात थे। 7 वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। उनकी शहादत से जहां 3 वर्षीय मासूम बेटी के सर से पिता का साया उड़ गया, वहीं उनके पिता पूरन सिंह बोहरा, मां गीता बोहरा, पत्नी बबीता बोहरा का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के चंडाक क्षेत्र के भुरमनी गाँव निवासी दिनेश सिंह बोहरा 14 वर्ष पहले ITBP की 4th बटालियन में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती अमरनाथ यात्रा में थी। बताया गया है कि शहीद दिनेश 2 महीने पहले ही छुट्टियों पर घर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी 3 वर्षीय बेटी को पिथौरागढ़ शहर के एक स्कूल में प्रवेश दिलाया था। वर्तमान में उनकी पत्नी बबीता बच्ची के साथ नगर में किराए पर मकान लेकर रह रही थी। दिनेश की शहादत की खबर से जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं समूचे गाँव में भी मातम पसर गया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता ललित धानिक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष घी त्यार पर गाँव में महोत्सव का आयोजन किया जाता था, परंतु इस वर्ष दिनेश की शहादत की खबर मिलने के बाद भुरमनी गांव में बुधवार होने वाली घी त्योहार महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार गांव में हिल्स यात्रा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।